audio jungle. उमरिया जिले में अंधविश्वास का अनोखा मामला सामने आया। सांप के काटने से महिला की हालत गंभीर, झाड़ फूंक के चक्कर में गुनिया के पास लेकर गए परिजन। जबरन 108 के EMT ने पहुंचाया जिला अस्पताल कटनी। आज जहां देश मेडिकल साइंस में लगातार तरक्की कर रहा है, रोज नए नए खोज किए जा रहे हैं, तो वहीं उमरिया जिले में अंधविश्वास किस तरह लोगों के मन मस्तिष्क में घर किया हुआ है, इसका उदाहरण देखने को मिला जिला अस्पताल में। ग्राम पठारी खुर्द निवासी 45 वर्षीय गुलाब बाई वर्मे पति ईश्वर दीन वर्मे को रात में किसी जहरीले सांप ने बिस्तर में चढ़कर काट लिया। गंभीर हालत को देखते हुए परिजन पीड़ित को जिला अस्पताल सुबह लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए कटनी जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परंतु परिजन कटनी ले जाने की जगह महिला को अस्पताल से उठाकर ग्राम अमहा किसी गुनिया के पास झाड़फूंक करने के लिए ऑटो से ले गए। झाड़फूंक कर फिर वापस जिला अस्पताल भेज दिया। महिला के परिजन उमेश कुमार धुलिया ने बताया कि सर्प काटने के बाद लगातार जहर बढ़ रहा है और अस्पताल में हालत में सुधार नहीं हो पा रहा। इलाज न कराकर उसे झाड़फूंक कराने के वास्ते ले गए, जहां पंडा ने हालत देख जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई और एम्बुलेंस से कटनी ले जाने के लिए वाहन से जा ही रहे थे कि फिर परिजनों ने झाड़फूंक करवाने लगे। पंडा भी आ गया और बरगद के पेड़ के नीचे फिर भी काम हुआ। इस बीच एम्बुलेंस चालक टेक्नीशियन ने मामले को देख अनेक बार आग्रह किया कि मरीज को कटनी रेफर किया गया है, आप झाड़फूंक बंद कर इलाज कराने कटनी चले। वहीं परिवार के कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे थे, परंतु झाड़फूंक जिला अस्पताल के समीप चलती रही। 108 के EMT नीरज गौतम के द्वारा काफी मशक्कत करने के बाद कटनी ले जाया गया। भैया आपका नाम क्या है? नीरज गौतम है। क्या है मामला? 108 में मेडिकल टेक्नीशियन हूँ, मेरे पास केस आया था, डॉक्टर ने रिफर किया है कटनी के लिए। मरीज के अटेंडर हैं, वो ले जाना नहीं चाह रहे हैं, झाड़ फूक में करवा रहे हैं। उनको सुबह लेके आए थे, भर्ती करवाए थे, ये हम वहाँ झाड़ फूक करवाने गए हैं। इसके बाद मरीज की स्थिति ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर ने इनको रिफर किया, इनसे कहा कि आप इनको लेके जाएं जिसकी खासी कटनी। मरीज भी अभी झाड़ फूक करवा रहे हैं, गाड़ी में बैठने के बाद भी गाड़ी रुकवा कर फिर से झाड़ फूक करवा रहे हैं। क्या कहना? मैंने इसकी जानकारी ऊपर अपने अधिकारियों को दे दी है और 108 में भी जानकारी दे दी है। क्या कहना चाहते हैं? आज के वैज्ञानिक युग में झाड़ फूक पर लोग विश्वास कर रहे हैं। मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता झाड़ फूक को, और उनके परिजन में कुछ हैं भाई वो भी इस चीज़ में सहमत नहीं है, लेकिन उनकी बात अकेले हैं वो भी नहीं मान रहे हैं। एक उनके लड़के हैं उमेश, वो भी झाड़ फूक के लिए मना कर रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे हैं, पूरे घर से प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं झाड़। भैया आपका नाम क्या है? उमेश कुमार धुलिया। ये मरीज का नाम क्या है और क्या हो गया? गुलाब बाई वर्मे दिखते हैं, गुलाब बाई वर्मे, और इसको लगभग रात को 3 बजे सांप काट दिया, जिसकी वजह से हम लोग 108 को फ़ोन लगाए और एम्बुलेंस में लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ गए। यहाँ से पेशेंट की कंडीशन समझ में नहीं आया तो डॉक्टर ने रिफ़र किया कटनी के लिए, लेकिन हम लोग झाड़ फूक पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिससे मैं ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता। नहीं तो इसके पहले भी जिला अस्पताल से झाड़ फूक कराने के लिए अमहा ले गए थे। हाँ अमहा ले गए थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ? वहाँ उनका भी कंडीशन अभी तक समझ में नहीं आया। पंडा क्या बोल रहा है? क्या तो बोल रहा है ठीक हो जाएगा, लेकिन कंडीशन देखने में समझ में नहीं आ रहा कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनको शायद मेडिसिन का ज़्यादा जरूरत है। अब ये कहाँ जा रहे हैं? Audio Jungle.